मेरा नाम लता गुप्ता है। मैंने अपना आर्किटेक्ट स्कूलिंग के बाद आर्किटेक्चर का कोर्स किया था। उसके बाद कुछ साल मैंने जॉब भी करी, इनर व्हील की मेंबर बनी। सक्सेस मंत्र तो यही है, आपका एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए और फिर आपको मेहनत करके उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान को बहुत मानती हूँ और ऐसा कहना गलत नहीं होगा, मैंने जितनी भी इच्छा की है वो सब मेरी पूरी हुई है। युवा पीढ़ी को मैसेज यही है, जो भी काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से देश को अपने मद्देनज़र पहले रख कर के देश के लिए क्या ठीक है वही करना चाहिए। मेरे जन्म स्थान दिल्ली ही है और यहीं पैदा हुए। फादर का नाम जेबी सिंह, ही वॉज इन डिफेंस, साउथ ब्लॉक में बैठते थे सिविलियन, एंड ही रिटायर्ड एज एजी। और मदर का नाम कमला जैन, मेरी मदर हाउसवाइफ थी। और तीन ब्रदर हैं और दो सिस्टर हैं हम। बचपन की तो मुझे बहुत सारी बातें याद हैं, हम लोग बहुत खेलते थे। पढ़ाई में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, हम लोग हमेशा खेल में लगे रहते थे और ज़्यादातर उस टाइम आउटडोर गेम्स होते थे। हमारे कज़न्स वगैरह छुट्टियों में जाते थे तो कज़न्स वगैरह के साथ हमारा बहुत मेल जोल था, मिल कर के हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई गेम कर खेलते थे। या हमारे जैसे परिवार काफ़ी बड़ा होने के नाते किसी ना किसी की शादी होती थी तो उसमें हम अपने आप ही कुछ ना कुछ ड्रामा करके डांस करके परफॉर्म करा करते थे मिलके सब। तो वो सबसे हमारी प्यारी याद है। हम श्यामा प्रसाद विद्यालय है लोधी स्टेट में, वहाँ से पढ़ाई करी। स्कूल पास करने के बाद मेरे को आइडिया नहीं था मैं क्या करूँ और मेरे कोई बहुत खास अच्छे नंबर नहीं आए थे। मेरे ब्रदर ने बताया कि ऐसे वुमेंस पॉलिटेक्निक में आर्किटेक्चर का कोर्स है। वो जानता था कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है तो उन्होंने मुझे इनक्रेज करा और मेरा एडमिशन वहाँ कराया। उसमें मेरे को तब बहुत इंटरेस्ट आया। उस वक्त मेरे फादर थोड़े रिलक्टेंट थे कि क्यों कर रही हैं, किस लिए होगा नहीं होगा, लेकिन बाद में जब मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने नंबर आए वाए तो बहुत खुश हुए, उन्हें अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि ये कोर्स चूज़ करा मैंने। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करा मैंने वुमेंस पॉलिटेक्निक, जिसमें आर्किटेक्चर का कोर्स करा। उसके बाद फिर मैंने जॉब करी, जॉब मैंने MES में ज्वाइन करी थी और एक दो साल करने के बाद मेरी शादी हो गई, मैंने जॉब छोड़ दी तो हम फिर बेंगलोर आ गए थे। शादी हमारी 76 में हुई थी और सपोर्ट बहुत रहा, बल्कि मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि जॉब कर लो, तो मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को घर संभालना है। और जो मेरी जॉब थी वो काफ़ी टायरिंग जॉब थी तो मैंने सोचा मैं दोनों जगह पे कोऑप नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने हाउसवाइफ आई ऑप्टेड फॉर इट। मेरे बड़े बेटे का नाम मानवेंद्र है पर हम उसे मनु बुलाते हैं और बेटी का नाम शालिनी है। तो बेटी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और बेटे ने BBS करके इंदौर से MBA करके फिर उसने जॉब करी। बहू पारुल है और उसने CA किया है पर दोनों शादी करके अमेरिका चले गए। और एक बेटी बड़ी है मान्या और मानवेंद्र छोटा बेटा है। हमेशा अपने काम में सिंसियर रहना और सच बोलना तो एक सबसे पहला संस्कार, और अपनी भावना सही प्यार भरी रखना, सबसे मिलजुल के रहना,
माँ हमारी बहुत सिंसियर थी और वो हमेशा चाहती थी कि हम कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। तो वो कहती थी कि हमेशा अगर नहीं भी कुछ भी काम है तो कुछ काम निकाल करके करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। और वो बहुत सफाई पसंद थी, हमेशा सफाई रखो। मेरे प्रेरणा सूत्र तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, और फिर मैं कहूँगी मेरी सिस्टर है, ब्रदर्स भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और फिर इनर व्हील में हैं दो तीन हैं, हमारी इंटरनेशनल इनर व्हील पास्ट प्रेसिडेंट हैं मिन्ना कपूर, वो हैं निर्मल गुप्ता हैं, ऐसे कई लोग हैं। हाँ, इनर व्हील है सबसे पहली बात तो, क्योंकि उसके बाद तो मैंने खुद भी अपने आप में सोचा कि बहुत चेंज आया है मेरे में। वैसे देखा जाए मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट तो नहीं थी, लेकिन इतनी वो भी नहीं थी कि अगर मौका मिले तो कर भी सकती हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को, जो मुझे इनर व्हील में आके बहुत मिला। मैं सोचने में बहुत टाइम लगाती हूँ, मुझे हर पहलू से मैं सोचना चाहती हूँ कि अगर ऐसा करा तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसके बाद मैं डिसीजन लेती हूँ। और जो ले लिया तो ठीक है, अगर सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। सक्सेस मंत्र तो यही है, आपका एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और फिर आपको मेहनत करके उसी की तरफ बढ़ना चाहिए, यही सक्सेस मंत्र है। हालांकि मैं सोचती हूँ मैंने कभी इस तरह से सीरियसली सोच के नहीं किया, लेकिन कुछ अपने आप से होता चला गया। मेरा डेली रूटीन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं जब उठती हूँ सबसे पहले गार्डन में जाके पानी वानी देती हूँ, करती हूँ। फिर एक्सरसाइज करनी होती है तो करती हूँ, और फिर अपना सुबह हम गर्म पानी लेते हैं वो पीते हैं, और फिर उसके बाद अभी तो टाइम कुछ भी नहीं, बच्चे नहीं हैं, कोई काम नहीं है ज़्यादा, तो अपना कुछ गाने सुन लेते हैं या कुछ वीडियो देख लेती हूँ मैं। ज़्यादातर ये आजकल शिवानी का देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो उनकी वीडियो देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है उनका देखना। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह है, वो करने के बाद लंच का टाइम हो जाता है, उस बीच में मेरे जो इनर व्हील के काम होते हैं वो मैं करती हूँ बैठ करके, और यूजुअली मैं लंच के बाद ही करती हूँ, या तो सुबह करती हूँ, कई दफ़े सुबह मेरी आँख जल्दी खुल जाती है तो मैं सुबह करती हूँ, या फिर आफ्टर लंच या रात के टाइम में, इस टाइम में होता है। और बस यही मेरा रूटीन है। घूमने का मुझे बहुत शौक है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है, हम दोनों को बहुत शौक है, और बहुत अच्छा लगता है दूसरे कल्चर के बारे में, कंट्री के बारे में, और वहाँ के वातावरण और नेचुरल सीनरी तो बहुत ही, उसमें जितना एंजॉय करते हैं उससे और कहीं एंजॉय नहीं कर पाते, वो तो कहना चाहिए सब कुछ मिल जाता है। थल में तो आपको मानसरोवर तो मैंने बताया ही है, हम लोग बद्रीनाथ भी जा चुके हैं, और सोमनाथ मंदिर गए, वहाँ से पालीताना जैन मंदिर है बहुत बड़ा, माउंट आबू भी गए, वहाँ के जैन मंदिर में गए तो, और हम अपने कॉलेज के टूर से हम गए थे, तो वहाँ हम उस समय हम कई जगह गए थे, मदुरई गए, रामेश्वरम गए, वहाँ कालेश्वर मंदिर गए, जहाँ तक हो सकता है कोशिश करते हैं जाते हैं। बाकी और मंदिर हैं जैसे जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ हम जाना चाहते हैं, वहाँ जाने का मन है मेरा, और कन्याकुमारी। मूवी देखने का भी शौक है, अच्छी मूवीज़ होती हैं वो देखने का मन कर, और गाने तो है ही सुनने का शौक। सब पसंदीदा एक्टर तो मेरा गुरुदत्त ही रहा है, बाकी देवानंद भी अच्छा लगता है, शाहरुख खान है। गाने
मेरे को ज़्यादातर जो बड़े म्यूज़िकल और सॉफ्ट म्यूज़िक भी, क्लासिकल म्यूज़िक भी, वो बहुत पसंद है। जैसे मेरे फेवरेट मन्ना डे है, मन्ना डे के गाने बहुत पसंद हैं, और लता मंगेशकर तो है ही है, तो उनके जो बहुत मेलोडियस गाने हैं वो बहुत पसंद है। अगर कहा जाए कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ तो वो गलत होगा। मैं रोज़ पूजा नहीं करती हूँ। लोग जैसे दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, मैंने जितनी भी इच्छा की है वो सब मेरी पूरी हुई है, और नहीं भी की वो भी भगवान ने पूरी करी है मेरी। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इसी बात का दूंगी, कुछ 20-25 साल पहले मैं मानसरोवर जाना चाहती थी, बहुत इच्छा थी, लेकिन उस समय लगा कि जाना मुश्किल है। एक तो पूरे महीने का टूर होता है और ट्रैकिंग टूर होता है वो, दूसरे गवर्नमेंट के थ्रू जाया करता था उन दिनों टूर, तो मुश्किल था। पूरा हेल्थ चेकअप कैंप होता था, चेकअप होता था, और उसके बाद फाइनेंशियली एक उस समय 1,00,000 लगता था, तो थोड़ा मुश्किल लगा। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा धीरे से, तो कोई जवाब नहीं मिला मुझे, तो मैंने आइडिया छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि ये तो अब मैं पता नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मैं भूल गई एक तरह से। फिर एक दिन इनके IIT के ग्रुप के यहाँ किसी के यहाँ फंक्शन था, वहाँ पे मैंने सुना कि वो लोग मानसरोवर जाने का बना रहे हैं। मैं एकदम अलर्ट हो गई, मैंने कहा कौन जा रहा है मानसरोवर? तो उन्होंने बताया कि जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है, सबसे पहले मेरा नाम लिख लो, और मेरे को तो जाना ही जाना है। अगर विनोद गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं गए तो मैं तो जा ही रही हूँ आप लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने आके अपने हस्बैंड से कहा, विनोद से कहा कि ऐसा है, मैंने कहा अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे मैं तो जाऊँगी। तो क्या ठीक है। तो फिर इस तरह से करके ये प्रोग्राम बना और हम लोग मानसरोवर गए, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारी उस एज में, लेकिन बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँगी कैसे भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी। एक्चुअली जब देखती हूँ अपनी मेड सर्वेंट वगैरह को देखती हूँ, तो मुझे फील होता है जैसे उनके साथ होता है, या कभी उनके साथ कोई सही नहीं, बाहर नहीं सही होता, या उनके हस्बैंड नहीं सही करते, तो वो मुझे बहुत लगता है कि मैं किसी तरह से उनको हेल्प करूं। बस वही है मेरा जो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। रोटरी के मेंबर बनने के बाद हम दोनों को ही घूमने का शौक है, तो हम लोग ग्रुप में घूमने गए, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर और बहुत एंजॉय करा। तो उसी ग्रुप के बीच में हमारी सारी जो रोटेरियंस की वाइफ्स हैं वो इनर व्हील चलाती हैं, इनर व्हील के मेंबर बनती हैं और वो चलाती हैं, और इनर व्हील और रोटरी का ऑलमोस्ट सेम ही एम है। तो उसमें जो भी रोटेरियंस की वाइफ्स थी तो वो कहने लगी लता तुम भी ज्वाइन कर लो, रोटरी ज्वाइन कर लो और तुम बनना हमारी प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा प्रेसिडेंट तो पता नहीं मैं बनूँ नहीं बनूँ, हाँ मेंबर मैं बन सकती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने मुझे मेंबर बना लिया, मैं मेंबर बनी। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से सिखाते थे, बताते थे। फिर मेरे को सेक्रेटरी बनाया, तो उसमें मेरे को भी बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन ये सब उन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी कि मैंने बहुत अच्छी तरह से करा। उसमें मुझे बल्कि बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी मिला। फिर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट बन जाओ, मैंने कहा नहीं मैं अभी प्रेसिडेंट नहीं बनूंगी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अनफ टू टेक अप द प्रेसिडेंटशिप, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद सेक्रेटरी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर एक दूसरी हमारी मेंबर है वो बन गई प्रेसिडेंट, उनके साथ रह के मैंने बहुत अच्छा सीखा। निर्मल गुप्ता जी हमारी चार्टर मेंबर हैं क्लब की, तो उन्होंने बहुत कुछ हम सिखाया, उनसे सीखा मैंने। उसके बाद मेरे को मैं प्रेसिडेंट बनी, प्रेसिडेंट बन के मैंने बहुत कुछ, इतना मैंने कभी सामने किसी ग्रुप के सामने
मतलब एज ए स्पीकर नहीं खड़ी हुई कभी भी। बोली मैं, सीखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझको अपने। उससे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी बहुत अच्छे अच्छे करे। हम लोग ने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, एक गवर्नमेंट स्कूल है मालवीय नगर में, वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, फर्स्ट टाइम लगाया था, बहुत अच्छा गया, सब ने बहुत तारीफ़ करी। फिर मैं, एक मेरा इच्छा थी कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को टैलेंट शो करने के लिए, उनका टैलेंट शो कराना चाहती थी, क्योंकि मैंने देखा वहाँ बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी स्किट है, डांस है, ये सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने कहा इनको मौका देना चाहिए। तो ये सब करके ये प्लान करा हमने क्लब की तरफ से, और एक टैलेंट शो कराया, तो वो भी बहुत अच्छा गया। और फिर कई, एक स्कूल में लड़कियां जो थीं, कुछ थीं जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थी, स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको ओपन स्कूल से हमने करा करके स्कूलिंग पास कराया। तो इस तरह के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे, कैंसर डिटेक्शन कैंप भी लगाया, विलेजेस में दूर जा कर के करे, कई सारे प्रोजेक्ट हमने करे और बहुत अच्छी तरह से करे, तो काफ़ी उसका क्रेडिट मिला और अच्छा लगा, मज़ा आया काम करने में। तो इनर व्हील एक इतना अच्छा मीडियम है, एनजीओ है, कि इसमें एक तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट तो होती ही है और फ्री है, आप को नहीं आता आप फिर भी परफॉर्म करो, तो उसे जो आदमी की सेटिस्फेक्शन होती है परफॉर्म करके और करने की, वो यहाँ में सभी एंजॉय करते हैं, और एक दूसरे के फ्रेंड्स एकदम फैमिली की तरह इनर व्हील क्लब है हमारा। मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जो मैं चाहती हूँ कि करूँ। गाना मेरा पसंद है, मैं थोड़ी स्केचिंग भी करती हूँ, पढ़ने का भी मन होता है, पढ़ने का भी मेन मेरा है। अभी सितार सीखने का, सितार मैंने शुरू में सीखा था लेकिन फिर छोड़ दिया था, तो अब मैं चाहती हूँ कि, लेकिन ये कोविड शुरू हो गया तो इस वजह से अब वो टल गया है, नहीं तो मैं सितार कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अभी तो मेरे हस्बैंड का ही है, पहले तो पेरेंट्स का रहा, उसके बाद अब मेरे हस्बैंड का। युवा पीढ़ी को मैसेज यही है, जो भी काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से देश को अपने मद्देनज़र पहले रख कर के देश के लिए क्या ठीक है वही करना चाहिए। आजकल ये जो लोग शॉर्टकट मारते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरा चलता है, एक ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये एटीट्यूड बहुत खतरनाक है।